यस गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर वन, नंबर सिस्टम. लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. एज यू कैन सी दैट बार इज देयर, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स द नंबर इज ऑफ द फॉर्म रैशनल. सो कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. हरी अप. Do it and tell me the answer. What will be its P by Q form? Convert this in the form of P by Q. Suppose this as X, 35, 35 will be written and so on, sign will be put. Done, Jasleen? Hurry up, hurry up. Agla karo, next. Done? Answer is 233 upon 990. 233 upon 990. The answer is done. Unyasa done. Do next. Find an irrational number between this. For irrational number, so on side should be there. इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सो ऑन की होती है ना. इरेशनल नंबर लिखना है आपने इसके बीच में. एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू. तो इसका मतलब आपने डेसिमल में नंबर देना है. एंड फॉर द डेसिमल व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट 1/7 एंड 2/7 इन द डेसिमल एंड यू विल राइट द नंबर बिटवीन देम. इसको 1/7 को डिवाइड करो, 2/7 को डिवाइड करो. द आंसर दैट विल बी गेटिंग, यू हैव टू राइट द नंबर बिटवीन देम के बीच में कोई भी एंड सो ऑन. एंड सो ऑन विल शो दैट योर नंबर इज इरेशनल. Divya, for how many days Khyati is not coming to the class? Ek bhi class nahi lagayi.
बात होती है उसकी आपसे? वैसे बात होती है कभी क्लास इंचार्ज को? बताया था आपने? आज उनको इन्फॉर्म करके जाना, भी आएंगे, उनका पीरियड है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 0.142, ठीक है, बार, एंड 2/7 इज दिस। यू डोंट हैव टू फाइंड दिस नंबर। कैन यू टेल मी हाउ यू कैन फाइंड 2/7 डायरेक्टली विदाउट डिवाइडिंग? मल्टीप्लाइड विद 2, क्या आ जाएगा? 0.1, ठीक है। अगर 3/7 निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, पीछे हो जाओ, पीछे बैठो, कह रहे 4/7 निकालना है तो मल्टीप्लाई दिस विद 4। ऐसा क्वेश्चन है ना, कहाँ पर? बुक में, थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। विदाउट डिवाइडिंग टेल द आंसर ऑफ 1/7 इज गिवन, यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई। इफ यू वॉन्ट 2/7 मल्टीप्लाई इट विद 2, इफ यू वॉन्ट 6/7 मल्टीप्लाई इट विद 6। Now you have to write the irrational number between them. What you will do is, ये 14 है, ये 28 है, so you can write 0.0150 1500 1500 and so on. And the next is 0.20 200 2000, कुछ भी लिख दो, anything. 170 से start कर लो, इसके बीच में जो जो आ रहा है, 250 260 180, कुछ भी, सो ऑन। इफ यू वॉन्ट टू राइट डिफरेंट नंबर यू कैन, 0.15678432 1, सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स अप टू यू। टू अपॉन सेवन, नहीं, ये कैसे निकाला है? ये क्या है? 2 into 1/7, 1/7 की वैल्यू यहाँ लिख दो। 3/7 है तो 3 into दिस नंबर, ठीक है। ब्रिजेश, ऑन योर वीडियो फर्स्ट। मैम आपकी वीडियो काफी ब्लर हो रही है और आपका सिग्नल भी मैम रेड आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, पुष्टि, व्हाट हैपेंड, डू दिस क्वेश्चन। Just convert these rational number to decimal form and write their kind, whether it will be terminating, non-terminating, repeating. Can the answer of these rational number be non-terminating, non-repeating? No, why? P by Q. और irrational number कभी भी P by Q की form में नहीं होता, तो इसका मतलब इनमें से किसी का भी answer नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, रिपीटिंग आएगा या टर्मिनेटिंग आएगा।
अरिया फर्स्ट आंसर बोलो न्यासा, इसका क्या आएगा डेसिमल? 36 नॉट 36. व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्लेनेशन इट इज? टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट सौम्य बोलो, 1/11 ये की है, बोलो. जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो फोर सो ऑन इज इट ओके है? जीरो. आपने फर्दर डिवाइड नहीं किया, मैंने आपको बोला सो ऑन वाला नहीं आएगा इसमें. ये कौन सी टाइप है? पी बाई क्यू. पी बाई क्यू मतलब रैशनल है, और रैशनल की दो ही टाइप होती है, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. या तो ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ठीक है? मतलब रिपीटिंग आएगा, इसके आगे डेसिमल. यहाँ पर सो ऑन नहीं आ सकता, सो ऑन हो जाएगा तो ये तो इरेशनल नंबर बन जाएगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि ये रैशनल है, ठीक है? आपने डिवाइड किया इसको? अच्छा करो फिर, थ्री से थ्री को डिवाइड कर रहे हैं ना, थर्टीन से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0.30 बन गया, 4 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है 0, 13 थ्री जा 39 बच गया 1, डेसिमल लगा हुआ है 0, अब 10 बन गया, 10 इज स्मॉलर देन दिस, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते थे, एक और 0 लगाओगे तो 100 बन जाएगा, 13 7 जा 91 बच गया 9, डेसिमल लगा हुआ है 0, क्या आएगा? 13 से 13 6 जा 13 7 जा ले नहीं सकते, 91 होता है तो 13 6 जा लेना पड़ेगा 78, ठीक है? कितना आएगा? 12. डेसिमल लगा हुआ है, फिर से 0 लगा लो, अब क्या बनेगा? 13 9 जा 117 आ गया 3. स्टार्ट भी 3 से हुए थे, स्टार्ट 3 से हुए थे ना, तो इसका मतलब ये है इसका आंसर, 2 3 0 7 6 9 बार, 3 से स्टार्ट हुए फिर से 3 आ गया, गेटिंग मी? 3 से स्टार्ट हुए न्यूमिनेटर में, अगेन जो इसका रिमाइंडर है वो 3 आ गया, इसका मतलब दिस होल स्ट्रिंग विल रिपीट, ठीक है? तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग. बट आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्म का है तो उसका आंसर या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आ सकता, क्योंकि वो अगर वो रैशनल है तो उसकी होती दो टाइप है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहाँ से आ जाएगा? तो वो नहीं आ सकता आंसर कभी भी, ठीक है? ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको कहता है कि 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालो. इरेशनल का मतलब ये है कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता उसको, तो वहां पे डेसिमल में ही आंसर देना पड़ेगा, इसलिए हमने क्वेश्चन को भी डेसिमल में चेंज किया था, ठीक है? और इस केस में तो होता ही नहीं, इसमें दो ही आंसर आएंगे, तीसरा आ ही नहीं सकता, ठीक है? इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. जब भी डिवाइड करोगे या तो आंसर फिनिश हो जाएगा, नहीं फिनिश हो रहा है इसका मतलब आगे जाके वो कॉन्टिन्यू करेगा, दोबारा सेम आएगा, तो वो इसी टाइप का होगा. तो आपको करनी पड़ेगी डिविजन, आप छोड़ नहीं सकते कि 2-3 स्टेप तक कर लिया, आप छोड़ नहीं सकते उसको, आपको कॉन्टिन्यू करना पड़ेगा. नेक्स्ट करो 1/11. 0.0909 आ रहा है ना, सो ऑन, इसका मतलब 0.09 बार आ गया, 09 का स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब करो सारे डिवाइड, ये करो डिवाइड, मैं आपकी वेट कर रही हूँ, ये आपने बताने हैं आंसर, करो सब जो ये कर लेंगे फिर वो आगे स्टार्ट करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 1/8 बार हो जाएगा. आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, आप 1/11 कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2/11 करना तब भी ओके है, आंसर तब भी यही आएगा. या तो आप 2 को 11 से डिवाइड कर लो, या 1/11 निकाल के उसका डबल कर लो,
डिवाइड करो, 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 पॉइंट कौन सी टाइप का है, टर्मिनेटिंग, इसको करो, कटिंग नहीं हो रही इसकी, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, करो डिवाइड, थ्री 29/400 बोलो, 0.1 मिनट, टर्मिनेटिंग है कि रिपीट हो रहा है, क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग है, ओके, फिनिश हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, यही कह रहे हो ना, ठीक है, स्टार्ट करो नेक्स्ट, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देन राइट द प्रॉपर्टी विच विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वेदर द रैशनल नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट, हु विल टेल मी दिस प्रॉपर्टी, अगर कोई रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म का है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 तो कभी भी नहीं होता, एक प्रॉपर्टी है ना, मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, हाँ जी, जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में होते हैं, only 2, only 5 और बोथ फॉर्म के होते हैं, देन द नंबर इज सेट टू हैव, देन द रैशनल नंबर इज हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉट, तो आप इन सब नंबर्स में चेक कर सकते हो, ये देखो, अगर सपोज करो आपको एग्जाम में 1 मार्क में ये चेक करना आ जाए, ठीक है, ये आंसर तो आपने लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखो ये 100 है, 100 को लिख सकते हैं 25 4s 100, और ये क्या होता है 5 स्क्वेयर, ये क्या होता है 2 स्क्वेयर, इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के आ रहे हैं, इसके फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म के आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पे आ जाओ, 11 के फैक्टर नहीं होते, इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। इधर आ जाओ, 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है, 2 की फॉर्म के आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग। तो आप बिना डिवाइड किए भी चेक कर सकते हो, इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ऑफ द फॉर्म ईदर 2 or 5 or both, देन द नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड द नंबर इज रैशनल। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल, 13 के फैक्टर नहीं होते तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 11 के फैक्टर नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 400 के तो होते हैं, 400 के फैक्टर कर ले, क्या होते हैं 400 के फैक्टर, 400 को लिख सकते हैं 2 × 2 हो गया 4, और 100 को लिख सकते हैं 25 4s, ये कैसे किया मैंने, 25 4s 100 और 2 2s 4, 100 4s 400, तो ये क्या होता है 2 × 2, 2 की पावर क्या बन गई 4, और इसकी पावर बन गई 2, 2 और 5 की फॉर्म क्या है फैक्टर, इसका मतलब ये कौन सा टाइप का है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो इसका मतलब अगर रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म का है तो इसकी जो डिनोमिनेटर है दैट इज हैविंग फैक्टर्स ईदर ऑफ द फॉर्म 2 or 5 or both, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m, 5 raised to power n, ये 0 भी हो सकता है, अगर 0 होगा इसका मतलब ये है ही नहीं, 1 बन गया ना, और अगर n 0 होगा तो ये 1 बन गया, या तो 2 की फॉर्म का आएगा फैक्टर या 5 या बोथ, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर मस्ट हैव द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n, 1/1, मैंने बोला था ना जब पूरे के ऊपर आता है तो 3 डिजिट है ना, तो 1/ 999, बताया था ना कल, 6 बार है सिंगल डिजिट तो 6/9, 0.3 बार है तो 3/9,
यहाँ पे तीन डिजिट रिपीट हो रही है, तो आंसर 1/999 या 001/999, बात तो 1/1 ही हो गया, सेम ही हो गया। क्लियर है ये? राइट डाउन, राइट टू एग्जाम्पल्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ द डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप बोलो, पाई वैल्यू लिख के बताओ ना, कुछ भी वैल्यू बोलो ना, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल बोला है, पाई बता रहे, मैंने बोला डेसिमल है आंसर, यही चीजें तो ध्यान से सुनने वाली है, नंबर नहीं बोला मैंने आपको, बोला डेसिमल नंबर दो। बोलो अर्नव, एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन ही नोट किया आपने, ये बोलो फिर, कोई भी एग्जाम्पल जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बोलो आशना, कोई भी बोल दो बच्चे, 0.1234 सो ऑन, 0.5678 सो ऑन, कुछ भी बोल दो, सो ऑन का साइन ही रिप्रेजेंट करता है, सो ऑन डालते ही आपका नंबर इरेशनल बन जाए, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो मन में आए लिख दो। कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्लियर है बच्चे, इसमें सोचने की इतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या हो गया, कुछ भी जो मन में आ रहा है नंबर लिख दो। मैंने आपको क्या बोला है, राइट टू एग्जाम्पल हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम डिजिट्स का सेट रिपीट नहीं होना चाहिए, वन रिपीट हो रहा है या फोर रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन है तो डिफरेंट ना, यहाँ 4-3 है यहाँ 4-5 है, कुछ भी लिख दो, 1-2-3-4-6-7-8-9 सो ऑन, ठीक है, कुछ भी जो आपका मन करे लिख दो, 0.987654321 सो ऑन डाल दो, जो दिल में आए लिख दो, इतना क्या सोचना है। चलो अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आपने ये बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, इफ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व देम देन यू हैव टू सॉल्व इट। मैम आई वांट टू आस्क, जैसे आपने ये लिखा है 0.11211, ये वाली जो लिखी है इसके पीछे जैसे कोई किसी और टीचर ने अगर चेक किया वो तो ये भी समझ सकते हैं ना कि 3 रिपीट हो ही जा रहा है, कहां रिपीट, यहां 2 हो रहा है, यहां पे कहा है आपको कि 3-3-3 आ रहा है, जब तक आगे वाला आप नहीं लिखोगे तब तक कोई सपोज नहीं करेगा, सपोज पे नहीं डिपेंड करता बेटा, जो आप लिखोगे उस पर डिपेंड करता है, आप इसके बाद 1-3-4 लिख दो, 1-3 ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, सेम थोड़ी है, डिफरेंट है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आगे कोई खुद नहीं सपोज करेगा कि 3-3 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही चेक होगा। देखो इधर, इसमें से डिसाइड करना है रैशनल है कि इरेशनल। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रूट में जब भी कोई प्राइम नंबर आता है दैट इज ऑलवेज √2, √5, √7, √9, इज √9 रैशनल और इरेशनल? कैसे, √9 क्या होता है, 3 होता है, और 3 क्या होता है, रैशनल, बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 0.9 क्लासिफाई देम एज रैशनल और इरेशनल। जसलीन बोलो फर्स्ट वाला, कैसे, ठीक है, लेकिन जस्टिफाई तो करो ना, क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, बोलो आशना नेक्स्ट।
√225 कैसे? इसका स्क्वेयर रूट क्या होता है? ये किसका स्क्वेयर है? 225 15 का. इसका आंसर क्या आएगा? 15. सो इट इज अ रैशनल नंबर. पुष्टि बोलो नेक्स्ट. रैशनल हाउ? यस, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है? रैशनल. ऐसा ही कौन सी टाइप का है? डेसिमल कौन सी टाइप का है? आगे बोलो. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है. रिपीटिंग है. 478 478 सेम तो है, तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है. तो कौन सी टाइप का हो गया? रैशनल. टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होते हैं. ये कौन सी टाइप का सॉम में? कौन सी टाइप का है? इरेशनल. सारे अलग है ना, 10, 100, 1000. तो ये कौन सी टाइप का हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया इरेशनल. ठीक है, एनी डाउट? सिद्ध (5/7, 9/11) फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन देम. फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन देम. क्या करेंगे जसलीन? बोलो क्या करेंगे? बस इतना ही बता दो करना क्या है. हाँ जी, डिवाइड करेंगे. लॉन्ग डिवीजन बेटा कुछ और होती है. डिवाइड करेंगे. इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, उनके बीच में से डेसिमल नंबर लिखेंगे. उन्हें ऐसे कैसे पता चलेगा कि जो नंबर हमने लिखना है वो कौन सी टाइप का लिखना है? टर्मिनेटिंग लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है, इरेशनल लिखना है? तो कौन सा होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसा होना चाहिए, या डिफरेंट डिजिट 1, 2, 3, 4 सो ऑन. ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रैशनल है. रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी रैशनल है. हमें लिखना कौन सा है? इरेशनल. और इरेशनल हमेशा इस टाइप के होते हैं. करो डिवाइड. इसकी डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ जल्दी. कितनी स्पेस वेस्ट कर रहा है लाइन डाल के. एक डिवाइड इधर करे किधर कर. फ्री की कॉपी है, है? थोड़ा सा लाइन डाला करो. ठीक है, जगह जो बचता है वो तो बचाओ.